प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी, रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। सरकार से खिलाफत का अंजाम क्या होगा? जबरदस्ती लूटकर कब्जा करने वालों को सरकार नहीं लुटेरा कहा जाता है, और इन लुटेरों के कानून के तहत अगर मुझे फांसी की सजा भी मिल जाए ना तो मुझे मंजूर है। इस आदमी की चाल एकदम लाल जैसी है। क्या हुआ, तो मुझे देखकर खुश नहीं है? वो क्या है ना, ज्यादा खुशी और गम से भी कभी कभी इंसान की बोलती बंद हो जाती है। तुम्हें ऐसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज बंद हो गई। और ये बता, ये लिवाज में क्या कर रहा है तू? अरे बहुत लंबी कहानी है, सुना चाहता है? बताओ। बाप रे बाप, ये तो खतरनाक आदमी है। अब तक तो सिर्फ इसका असली नाम पता चला था, अब इसकी हकीकत सामने आई है। एक तरफ ये राय साहब का बेटा, तो दूसरी तरफ एसपी का होने वाला दामाद। कभी भी ये गले का फंदा बन सकता है। क्या हुआ दास, किस सोच में पड़ गया? नहीं बोब, तुम्हारे बारे में सोच रहा। तुम्हें यहां तक पहुंचने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या फायदा, सब खत्म हो चुका है। क्या मतलब? हमारे क्रांति वीर संगठन शक्ति वाहिनी अब खत्म हो चुका है पूरी तरह से, और रेखा और डांगोरिया भी मर चुके हैं। अतनु जेल में कड़ी सजा काट रहा है। आप सब कुछ खत्म हो गया है मेरे दोस्त, सब कुछ, कुछ नहीं बचा। कितनी उम्मीदें लेकर चला था, रेखा से मिलूंगा, हमारा प्यार फिर एक बार परवान चढ़ेगा, हम दोनों साथ मिलकर एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ मातृभूमि की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ेंगे। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। यहां पर दो दो घंटे में पुलिस की गश्त घूमती रहती है, तुम्हारा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम यहां से फौरन निकल जाओ। अगर इस बार तुम पुलिस के हाथ में आ गए तो वो सीधा हवालात लेके जाएंगे। और तुम? मैं भी ऐसे मारा मारा छुपते छुपाते फिर रहा हूं, लेकिन तुम देर मत करो, यहां पर ऐसे जासूसों का कमी नहीं है, कोई भी तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम जल्दी करो, भागो यहां से। चलो ये बला तो टली, लेकिन ये सफोला है, इसे कुचलने का फौरन इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे प्यार में जहर घोल दे। अब मुझे एक ऐसा कहानी बनाना पड़ेगा
ताकि लाल की कहानी सुनकर रेखा के दिल में और जहर घोल सके। मेरे ख्याल में हमें समांतर सरकार के गठन के बारे में सोचना होगा। अंग्रेजी सरकारी तंत्रों के ऊपर आधारित रहने की आदत हमें छोड़नी होगी। और इस काम को शुरू करने से पहले हमें आसपास के ग्रामवासियों का विश्वास जीतकर मनंतर पंचायत को आघात करना पड़ेगा। जिस तरह से क्रांतिकारी वीरों ने बिजली, हाथी संघ, डाकुआ खाना जैसे जगहों पर किया था और जिसका अंजाम भी बहुत ही अच्छा रहा, और हम कोशिश करें तो गोपीनाथ बरदोलाई जैसे नेताओं से मिलकर इस काम को एक बड़ा स्वरूप भी दे सकते। आज तुम दोनों की बात सुनकर मन बहुत खुश हुआ। तुम दोनों ने वही बात कर दी जो तुम्हारे देवता की आखिरी इच्छा थी। वाह, आज कितने अरसे बाद जितेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। और वास्तव में तुमने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। ग्रामीण वासियों के विश्वास को जीत के हमें उन्हें अपनी ओर खींचने में आसानी हो। हाँ, एक और बात, ये अंग्रेज सरकार को टैक्स देने का सिलसिला खत्म होना चाहिए और इसकी शुरुआत होगी आसपास के गांवों से। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें एक बात और ध्यान देनी होगी। ऐसा होने के बाद हमें गांव वालों की सुरक्षा भी करनी होगी, क्योंकि गांव वाले जब हमारी सहायता करेंगे तो अंग्रेज उन्हें परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। सारी तैयारियां करने के बाद ही हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक बात बार बार गूंज रही है, क्यों ना हम मुख्य धारा के महिला आंदोलनकारियों की नेत्री पुष्पलता दास और चंद्रप्रभा होइक्या से मिलकर उनकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन ले। हो सकता है हमारा इरादा जानकर वो हमें लोकबल और धनबल दोनों की सहायता कर दे। हमारी सुलता भी सूझबूझ के मामले में कम नहीं है। तुम दोनों के बीच में कोई अंदरूनी प्रतियोगिता तो नहीं चल रही? अरे हाँ, वैसे भैरव खुड़ा कहाँ है? कम नजर आ रहे हैं। देवता के शहीद होने के बाद वे कुछ समय तक एकांतवास में, तो जब उनको लगेगा कि हमें उनकी जरूरत है तो वो यहां हाजिर हो जाए। क्या हुआ दास, घबराए हुए क्यों? वो क्या दास, घबराओ नहीं, बोलो क्या बात है। वो झूठा क्रांतिवीर लाल भेष बदलकर जंगल में घूम रहा था। क्या? क्या? हाँ। वो मुझे देखकर तक पका गया। मैं तो उसका भेष बदलकर यहां घूमने के बारे में जानना चाह रहा। तो मैं तो पहले से जानता था कि वो पुलिस का खबरी, और मैंने भी उसे झूठ मूठ का कहा कि मैं आजकल पुलिस का खबरी बन चुका, और इस बात से खुश होकर उसने मुझे गले से लगा लिया। और जोश जोश में उसने अपने मकसद के बारे में बताया। क्या बताया उसने? जल्दी बोलो क्या मकसद है उसका। उसका यहां आने का मकसद था कि आप दोनों भाई बहन को पुलिस से अरेस्ट करवाना, और मैंने उसे बताया अतनु, रेखा और डांगोरिया मारे जा चुके। ये खबर सुनकर उसका होश उड़ गया और सर पीटकर वो मातम मनाने का नाटक, और वो बोल रहा था कि पिछले टाइम भी रेखा लड़ाई के वक्त वहां से फरार हो गई। अब तो रेखा ऊपर वाले को प्यारी हो चुकी, अब क्या रिस्क। और उसने कहा कि रेखा को अरेस्ट कराने का उसका मकसद
अधूरा रह गया। कितने समय पहले की बात है ये? अभी यही गांव की बाजार में मैं देखकर आ रहा हूं। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं भाई, तो आपकी कसम मैं सच बोल रहा हूं। क्यों जितेंद्र, हमें वहां तुरंत चलना चाहिए। अरे बाप रे, ऐसे तो इसका सामना हो जाएगा तो गड़बड़ होगा। नहीं नहीं, अभी वहां क्या जाना। मैंने बात को टाल दिया है। मामला टाल दिया है लेकिन खत्म तो नहीं किया। हर चीज का एक वक्त होता है रेखा। क्या पता उसके पास वहां बिना वर्दी के पुलिस घूम रहे हो हमारा शिकार करने के लिए। वैसे भी अभी हम पुलिस वाले से भेटने की हालत में नहीं है। दास ठीक ही कह रहा है, हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। ऐसे मौके तमाम आए। मैं भी कितनी बेवकूफ थी, एक ऐसे आदमी से प्यार कर बैठी जो सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक है। काश मुझे उसकी खबरी होने का जरा भी सुराग मिलता तो मैं उसे चौराहे पर खुद अपने हाथों से फांसी दे देती, मुझे बड़ा सुकून मिलता। रातो, ध्यान में क्या करूं? इस समय इनसे कुछ कहना उचित रहेगा या फिर मैं इनसे कुछ भी कहूंगा तो क्या ये समझ पाएंगे? शायद हाँ या शायद नहीं। नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, इनसे बाद में बात करता हूँ। आओ जितेंद्रो, कुछ कहना चाहते हो? अब जो कुछ कहना है कह दो, बात को वक्त पर मत छोड़ो। क्षमा चाहता हूं खरा, मैंने आपका ध्यान भंग कर दिया। ध्यान तो पहले ही भंग हो चुका है पुत्र, तुम कहो। खरा, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं सुनकर आप मुझे गलत मत समझिएगा। जो हो चुका है उससे भी ज्यादा गलत कुछ हो सकता है क्या भला? हाँ खुरा, मैं जानता हूं कि ये सब कुछ गलतियों की वजह से ही हुआ है। गलती की वजह से या गलत आदमी की वजह से? खुरा ये तो आप बेहतर जानते होंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी मैंने देखा है उसके आधार पर सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारा शक्ति वाहिनी संगठन अब मात्र खोखला तंत्र बन चुका है। मैं तुम्हारे कहने का तात्पर्य भली भांति समझ सकता हूं। तुम यही कहना चाहते हो ना कि बिना किसी जासूसी के पुलिस का हमला हमारे संगठन पर हुआ और हमारे सेनाध्यक्ष डांगोरिया उसमें शहीद हो गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो गोली जो हमारे डांगोरिया को लगी थी ना, वो पुलिस की नहीं थी, वो किसी अपने आदमी की थी। हाँ 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 खुरा, वो दास भी कुछ ऐसा ही कह रहा था कि शायद उसने वहां पर लाल को देखा था शायद। ये मैं इनसे क्या बात कर रहा हूं, ये तो खुद ही सारी बात जानते हैं, फिर भी ये बिल्कुल शांत बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये इस वक्त सभी को शक की निगाह से देख रहे हों, फिर तो इनसे बात करना ठीक नहीं है। कहीं इनकी निगाह मुझ पर टिक गई तो? शायद से मेरा मतलब डांगोरिया की हत्या करने वाला हमारे अपने में से भी कोई हो सकता है।
लेकिन यह बात शुरू करके तुमने अपने आप को हमारे शक के दायरे से बाहर कर लिया है। लेकिन अब तुम जरा सोच कर ये बताओ कि उस दिन क्या ऐसा कुछ घटित हुआ था जो तुम्हारी नजरों में संदिग्ध लगे। पूरा मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन उस दिन हितेंद्र ने मुझे बताया था कि उस वक्त वहां पर दास लंगूरी अध्यक्ष को ढूंढते हुए आया था और कुछ देर के बाद वो रेखा को जंगल की तरफ ले जाते हुए देखा गया। हो सकता है कि शायद दंगोरिया ने उसे वहां बुलाया हो। अब सोचो जितेंद्रो, जब उसे डांगोरिया का पता ही नहीं था कि वो कहां है, तो उन्होंने रेखा को जंगल में कैसे बुलाया। इस बात को तुमसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है, क्योंकि क्योंकि तुमने भी अपना सगा भाई खोया है। अब जाओ और विचार करो, क्योंकि तुम ही मेरी पीड़ा को समझ सकते हो, क्योंकि तुमने अपना भाई खोया है। देखो रहा ये तो अलग ही खिचड़ी पक रही है भैरव के दिमाग में। इससे पहले कि ये मेरी गर्दन तक पहुंचे, इसका कुछ करना पड़ेगा। लगता है मैं इस लड़के को जानता हूं, लेकिन इससे कहां मुलाकात हुई है। अरे तुम तो शक्तिवानी के मेंबर हो ना, मेरी तुमसे एक बार मुलाकात हुई थी, मुझे याद है तुम्हारी आंखें। लेकिन तुम यहां क्यों बैठे हो भाई? पुलिस गश्ती करती रहती है, जिस तरह से मैंने तुम्हें देख लिया, अगर पुलिस वालों भी देख लिया, पहचान लिया, तो तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे। अब क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ खत्म हो गया है। मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्यों, क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। देखो, इस संसार में कुछ भी खत्म नहीं होता है, सिर्फ होलिया बदलता है। बताओ क्या बात है, मुझे खुल के बताओ। शक्ति वाहिनी में सब कुछ खत्म हो गया है, सब मारे जा चुके। वहां सिर्फ राहत का ढेर ही बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। बिल्कुल दिशाहीन हो चुका हूं। तुम जिंदा हो ना, इसका मतलब है शक्ति वाहिनी जिंदा है, और शक्ति वाहिनी भवानी डोंगरिया का एक सपना था, उसे फिर से साकार करो और ऊंचाई पे ले जाओ। पर अकेला मैं क्या कर सकता हूं? अकेला क्यों, मैं हूं, गांव के लड़के भी होंगे। और सब मिलकर शक्ति वाहिनी को फिर से जिंदा करेंगे और एक नया रूप देंगे। और अंग्रेज सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।
अरे देख क्या रहे हो, चलो उठो उठो उठो, आ जाओ आओ। मैं जानता हूं तुम लोग देश की आजादी की लड़ाई में कूदने के लिए बेचैन हो, तैयार बैठे हो, लेकिन जिस तरह से सिपे सालार सिपाही लड़ाई नहीं जी सकते क्योंकि वो दिशाविहीन हो जाते हैं, उसी तरह से बिना काबिल नेता के क्रांतिकारी भी इन अंग्रेजों से अपने देश को आजाद नहीं करा सकते। चाचा हम आपका इशारा समझ चुके हैं, क्योंकि हम इनको पहले से जानते हैं। ये शक्तिवाहिनी संगठन के एक मजबूत स्तंभ थे और एक अच्छे मार्गदर्शक। अच्छी बात है तुम इनको जानते हो। आज मेरी दिल की इच्छा है कि हम इनकी सरपरस्ती में देश की आजादी की लड़ाई लड़ें। हम सब तैयार हैं। हाँ हाँ हम सब तैयार हैं, लेकिन हमें बंदूक चलानी नहीं आती। सबको सिखाया जाएगा, सबको सिखाया जाएगा। आज ये नौजवान 10 हैं, कल 100 होंगे और फिर 1000। इन सब को लेकर तुम शुरू कर दो बस। मुझे खुशी है ये हमारे देश के चप्पे चप्पे में आजादी के लिए उत्सुक ऐसे नौजवान खड़े पड़े। जो भारत माँ को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए कुछ भी कर सके। किसने है